बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंदापुरा की कई वीडियोस इससे कबल भी रिलीज़ हुई, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इसने अपने इलाके में गैज़ो गज़ब में आकर एक लड़की को बरहना तक कर दिया था, लेकिन इमरान खान के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। आज हम आपके सामने अली अमीन गंदापुरा की एक और वीडियो लेकर आए हैं। ज़रा देखिए खुद पर उठाए जाने वाले सवालात पर अली अमीन गंदापुरा का क्या रद्द अमल था। अली अमीन साहब साहब को सारा पता जेरी टी एम एच करप्शन थी पे ठीक है ना। डेली दी इनकम जेरी थी पे वो कितना वैंती पई है। त्रै त्रै महीने दे एहलकारा दे तनखाइयां नहीं होंदे, दो दो महीने एहलकारा दे तनखाइयां होंदे, बाद ग्रांट मंजूर थी। ग्रांट जेरी टाइम मंजूर थी उन्हें तुस आके अपना हिस्सा चाह वेंदे वे ठीक है ना। करोड़ों रुपया तुस अपना हिस्सा चाह के वेंदे वे। एहलकार दो दो महीने थे तनखा को नहीं, उसे बरुल दे वदन ए जितनी दुकान बंद तुहारी बकौल तुहारे कैसा इतनी आंदी इनकम आंदी पे कितना वेंदी पई है। थोड़े घर के घोड़े ते तोते ब्रेड खांदे खड़े ठीक है ना सर। सागु तो ये ना सर वासा सब शेयर दे बैठे हैं, डेरे वाल हैं सर सब शेयर दे बैठे हैं। सागु सारा पता है, सागु ये भी पता है कि दिन पूरो ठेकेदार थारे को तुसा ठेकेदार को ठेकारी टेंडर लगे ठीक है जी। तुसा मुझे कितनी कमीशन चाहती है। ठेकेदार मिट्टी काम करी सी करोड़ रुपए तू समझ के ठेकेदार हो। हर हफ्ते थोड़े जुमेरात जुमेरात थोड़ी घर दे बैठ ठेकेदार दे लेना लगे खन थोको हफ्ता देवाना ने सोना लोगों को बेवकूफ बनाओ जेरे बेवकूफ थोको बनने। असा ना रिश्वत खोर लोग हैं ना रिश्वत खादी से ठीक है ना सर जी। बाकी डी खान दी सारी तुसा इन सारा ग्रिड रोड को गिनो, ग्रिड रोड सारा बांध वेंदे जंदा लिंक रोड थी थारी पाइपलाइन कनेक्शन थी चुकन कहंदे नाल मेन जरे थारे वेंदे पे दरिया दे अंदर ग्रिड रोड दा कुछ दी वार उना जे हशर थिंदे पे ग्रिड रोड ओ या सडे गिन ओ उंदा के थिंदे पे देखन इंशाल्लाह ओ कीवें डैमेज थिन। दिनपुर ते दिनपुर रोड रह गए इन द ग्रिड रोड दा हुन वार इंशाल्लाह ओ भी थारे सामने नजर आवे सी आवाम देख सी। कोई अगर दिनपुर रोड का रोड खराब हुआ है आप जाएं बिल्कुल नैब में भी जाएं, आप एंटी करप्शन में भी जाएं, उस पर दरखास्त करें, महकमा उसका जवाब देगा। मेरा काम फंड देना होता है, रोड मैंने नहीं बनाया, रोड का ठेकेदार मैं नहीं था। आप जाए आपने जो भी कार्रवाई करवानी है आप कराएं, उस पर रीजन दे देंगे आपको। मैंने इसलिए कहा है कोई पढ़ लिख लिया करो, कोई पता कर लिया करो। उस रोड खराब होने की वजह ये थी कि उसके अंदर जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली गई थी वो पाइपलाइन के अंदर लोगों ने मना करने के बावजूद डाले डाल दिए थे, उसका आगे आउटलेट बना नहीं था, वो कनेक्ट नहीं हुआ था विद द मेन, वो जो सकवर रोड से सेवर जाके दरिया में गिर रहा है उसके साथ। उस वजह से अंदर वो पाइप फुल हो गए थे और पाइप फट गए थे गैस से, उससे वो रोड खराब हुआ है और महकमा उसको दोबारा बनाने का पाबंद है। नहीं बनाएगा तो महकमा जाने, महकमे का काम जाने, वो दोबारा टेंडर करते हैं, सेविंग करते हैं, फंड देते हैं, बनाते हैं। आप नैब में जाओ उसके खिलाफ, इधर बैठ के तुम क्या बकवासियात कर रहे हो, तो जाओ ना नैब में। नैब तो हमारे अंडर नहीं आता, चलो वो तो है भी फेडरल गवर्नमेंट का, जाओ करो उस पर कंप्लेंट, क्यों नहीं करते हो। मेरा क्या काम है उससे, क्या मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं कोई रोड का ठेकेदार हूँ या रोड मैंने बनाया है। अक्कल के नाखून लो यार, तमीज के दायरे में रहो, अक्कल से बात किया करो। दूसरी बात तुम कर रहे हो टीएमए की, टीएमए में क्या हुआ है। टीएमए को जितना फायदा हमने दिए आज तक किसी ने नहीं दिया, पता है तुम्हें टीएमए की आमदनी कितनी बढ़ गई है पहले से, कोई अंदाजा है इस बात का। आज तक टीएमए की किसी जगह के ऊपर आप बताओ कि कोई गलत चीज बनी हो। हमने तो टीएमए की जगह पे आप पार्क बनाए या फिल्टर प्लांट लगाए हैं, पहले टक्केबारों की तरह दुकानें बना के थोड़ी बेची है, वहां गुजार कराई है टीएमए की जगह तो पिछले 25-30 साल से गायब थी। टीएमए में ये हो गया, टीएमए में क्या हो गया है। जाओ आपने टीएमए में कुछ हुआ है तो जाओ, जाओ नैब में दरखास्त दो, एफआईए में जाओ। वो बिलागर पहली गाल तो है तू है कौन, पहले तारुफ करा अपना, तू है कौन, पहली गाल ये है। दूजी गाल ये है कि तेकू जाहिल इंसान है पता ही कौन ही, कोई सबक पढ़ा हुआ तो पता लग गया हो या जाहिल आ तेकू पता ही गाल ना कि टीएमए की मेन इनकम बिल केल सही को दी आई, वो होता 2% शेयर जरा इंतकाल आला आता है, वो कई साल को बंद है, वो नहीं मिलता पी आई था ठीक है। दूजी गाल यह है कि शुक्र है तनखा अप टू डेट है, 10 साल को पेंशन नहीं मिली जब असा आया थे 2013 इंच, उन्हें पेंशन को आगे पूरी 60-60 लाख रुपए थे, 40-40 लाख रुपए था, एक चेक से पैसे भी लेने उनको। आज भी तनखा अप टू डेट पैनी पई है, पेंशन अप टू डेट पैनी पई है। आज भी जितू याद पी मैं खिन कहना पिया, तू तक खिन के नहीं आना पिया, मैं खिन कहना पिया ना, गाल करना बड़ा सौखा ही था। अलहमदुल्ला टी एम ए दी टाइम अपने जाती पैसा ने बड़ी हुई वाल के फूड स्ट्रीट खड़ी है, उसे स्टे थी अभी उतने का पेन चला ना कि स्टे क्यों थी पैर, वो स्टे खुलवा कि ना ताकि पेरा ते खड़ी थी वजह उन्हें को इनकम आसी वहां जो बिल्डिंग वाग के देख ही रखा पढ़ गिर नजर आ वैसी ऊंचे ऊंचे गाले ना कर हिस्से गिरने खड़े, मैं तैयारी का टक्के मारना मैं हिस्से गिर सा जो होनी है तू। अलहमदुल्ला मैं को बहु हर सही, मेरा पिता 3 साल मिनिस्टर रही है, 9 साल मैं मिनिस्टर रही है, हूं मेरा ब्याह मिनिस्टर है। इतने बड़े बड़े इदारे बंदे ना अलहमदुल्ला, 1 रुपए की कोई गाल मैं नहीं कर सकते, 1 रुपए की भी मैं चैलेंज करे ना, मैं कोई टक्के मारना ना, मैं टक्के मारी जिंदगी रखी थी है, मैं आवाम चलाने वाला बंदा एक तेवा मेरा खड़ी है तैयारी का फजूल बंदे रहे ना, मैंने कुछ जवाब ही डाले ना, एक मेरा एडमिट बैठा है, मैं ग्रुप ऐड नहीं करो ग्रुप तैयारी करना माकूल आदमी हो तू है। अली अमीन दरादरान साहब सबको ये सब अली अमीन भाई मैं तो को बड़ा करीब को जानना ठीक है। दीनपुर रोड दे जो तुस आदे ना मैं कोई को नहीं, मैं ठेकारी था टेंडर था हिसाब के था, दीनपुर रोड दा ठेका देने वाले तुसा बंदे वे थारे मन पसंद ठेकेदार को ए टेंडर मिले
उन्हें थोड़ा को हिस्सा दिता है। ठीक ठीक है जी, टीएमए जी तो साथ मेरी कोई करप्शन कोई करता असा बड़ा टीएमए को ये किता है तो वो किता है। डेरे दी कितनी इनकम थी टीएमए दी, वो कितना महंगी पई है, दो दो महीने त्रै त्रै महीने एहलकारा तनखाइया नहीं होनिया, क्यों नहीं होनिया? अगर वाकई डी खान को तुसा अच्छा किया है उनके टीएमए को तुसा अच्छा किया तो एहलकारा तनखाइया हो ना, दो दो महीने उन्होंने तनखाइया नहीं होती, पैसा कितना महंगा पिए? ठीक ठीक है जी, उमर अमीन भिरा जरा थोड़ा तहसील मेयर का इलेक्शन लड़े वो जीत है, उनकी मिठाई कह दी है, मैं थोड़ा को पुछता उनकी मिठाई कह दी है, मैं दे सामने वहदी रही है टीएमए मिठाई थोड़ी मना दे हिसाब उत्ते गुलशन बैकरी को थोड़ी मिठाई वहदी रही है, चिश्ती थोड़ी मिठाई देता रही है, उनको सारे बंदे कॉल करने तुसा खुद कॉल करने वे साहब 40 मन मिठाई पहुंचा रहे हो, 20 मन मिठाई पहुंचा रहे हो, इतने बंदे आते पैन। ठीक ठीक है जी, थोड़े तोते ते घोड़े ते ए मिठाइयां खाते रहन उमर अमीन दी जीत दी खुशी दे विच। अच्छा उनके बाद जो है टी एम ए का जितना भी पैसा वसूल थे पे डेली की बुनियाद उत्ते, डेली की बुनियाद थोड़े बंदे आके तो घेन वैन थोड़े वास्ते घोड़े तोते थोड़े ब्रेड खाते खड़े, कुछ गुजारा करो सही डी खान, तो रहम करो खुदा दा वास्ता ही वे रहम करो, चा खुदा रसूल दा वास्ता ही वे शर्म करो, कोई कुछ एहसास करो डेरे का जे छोदे जिन्हें डूड में तनखाई आने हूँ पूरे के पी के तुरा हशर करके रखा हुआ है पूरा के पी के कितने रुपया कौन है ना, लोग तनखाइयों वास्ते रुलते वन सी एन डब्ल्यू को थोड़ी हराम खोरी बहुत है, थारा थोड़े किचन का खर्चा पूरा थींदा है, पब्लिक हेल्थ को थोड़ा खर्चा पूरा थींदा है, ये जो निकासी आप दस एक एक झा दे मैं को सारे सबूत मौजूद हैं। ठीक ठीक है ना, मैं ऐसा सारे ओपन करे सा एडमिट साहब, मैं एक ग्रुप छोड़ रहा हूँ, मेहरबानी करके मुझे ऐसे ग्रुपों में ऐड ना करके, मैं ऐसी इस तरह की बकवास किसी बंदे की बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सियासत करता हूँ इज्जत के लिए करता हूँ, ऐसे घटिया लोग जो है इस तरह की बकवास याद ना करें। ये वही शख्स है जिसकी गाड़ी से शराब निकला था तो शराब को शहद कह दिया गया था, इमरान खान भी इस सारी बात को पी गए थे। ये वही आदमी है जिसकी बदतमीजी से इसकी पार्टी की अपनी औरतें भी इससे खाइफ नजर आती हैं, अपने ऊपर की जाने वाली तनकीद का माकूल जवाब देने के बजाय ये दूसरों से बदमाशियां करता है, बदतमीजी करता है, अपने मकाम व मरतबे की दौंस जमाता है और संगीन नतायज की धमकियां देता है। ऐसे तमाम लोग इमरान खान की नाक तले जमा हैं और इमरान खान को इनकी करप्शन करप्शन नज़र नहीं आती, इनकी बदमाशी बदमाशी नहीं लगती। कहते हैं कि इमरान खान बजाते खुद तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, उसकी इस गंदी टीम ने ही उसे इतना गंदा किया है कि वो अपनी 4 साल कारकर्दगी में से कोई एक चीज़ भी अवाम के सामने रखने के काबिल नहीं रहा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।